शनि अमावस्या पर कांचवी मंदिर में नवग्रह के साथ स्थापित शनि भगवान की पूजा के लिए स्थानीय दर्शनार्थियों के साथ आसपास के शहरों से हजारों की संख्या में लोग शनि की शांति के लिए चंदेरी पहुंचे। यहां शनि भगवान की पूजा से पहले श्रद्धालु चुगनू बावड़ी में पहले स्नान करते हैं। बावड़ी में स्नान करने का विशेष महत्व है। इसके बाद कांच के मंदिर में विराजे शनि भगवान की विशेष पूजा होती है। श्रद्धालुओं द्वारा शनि की शांति के लिए जोशी के माध्यम से विशेष हवन भी करवाया जाता है। श्रद्धालुओं की संख्या अधिक होने पर एक बार में 20 से 25 लोग एक साथ हवन करते हैं। जब पूजा पूर्ण रूप से संपन्न हो जाती है तो लोगों द्वारा अपने कपड़े, जूते, अपने बाल वहीं पर दान कर जाते हैं। विगत कुछ वर्षों से चंदेरी में शनि अमावस्या पर 10 से 15 हजार लोग आते हैं। शनि मंदिर तो ठीक है, नवग्रह का मंदिर है और शनिवार के दिन अमावस्या पड़ने के कारण यहाँ पर मेला भरता है और काफ़ी पुराना मंदिर है, करीब 700 साल पुराना मंदिर है। और जिस दिन शनिवार के दिन अमावस्या पड़ती है उस दिन यहाँ मेला भरता है। लोग आते हैं, कुआ में नहाते हैं, अपने जूते चप्पल कपड़े पुराने छोड़ के जाते हैं। नवग्रह का मंदिर अपने मध्य प्रदेश में और क्या विश्व में नहीं, तीन मंदिर थे पुराने नवग्रह के, उज्जैन में, चंदेरी में और एक ग्वालियर के पास है शनिचरा स्टेशन, यहाँ पर नवग्रह का मंदिर है। और शनिवार के दिन यहाँ शनिचर की अमावस्या पड़ने के कारण श्रद्धालु आते हैं, सूर्य में स्नान करते हैं, अपने पुराने जूते चप्पल कपड़े छोड़ कर जाते हैं। ऐसा शनि महाराज का नियम है। इनको 7:30 ही दहिया की वो रहती है, उनको ज़्यादा फलकारी होते हैं इस समय स्नान दान करने से। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने के पीछे प्रमुख कारण चंदेरी में नवग्रह के साथ शनि भगवान का विराजमान होना है, क्योंकि चंदेरी के अलावा पूरे मध्य प्रदेश में केवल एक दो जगह ही शनि भगवान के नवग्रह के साथ मंदिर है। चंदेरी में सागर, बीना, ललितपुर, झांसी, दतिया, गुना, अशोकनगर सहित अन्य दूर के शहरों से श्रद्धालु आते हैं। चंदेरी से उमेश श्रोत्री की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मधुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।